सरपंच के सांठगांठ से रेत माफियाओं को मिल रहा बढ़ावा, धमतरी जिला प्रशासन के कार्यशैली पर उठ रहा सवाल। अवैध रेत मामले में हमेशा सुर्खियों में रहने वाला धमतरी खनिज विभाग एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। आरोप लगे हैं कि ग्राम पंचायत दोनर में सरपंच आवेंद्र देशहरे, ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्राकर एवं अन्य ग्रामीण पदाधिकारियों के सांठगांठ के चलते रेत माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको बताते चले, दोनर में रेत घाट से अवैध खनन कर डंपिंग में ले जाया जा रहा है। वही ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच संबंधित विभागों से सांठगांठ कर इस अवैध कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अवैध खनन कार्य में ग्राम पंचायतों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। सरपंचों और पंचायत सचिव एवं ग्रामीण पदाधिकारी के संरक्षण में रेत उत्खनन के अवैध कारोबार तेजी से पनप रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में रेत घाट से अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रालियों से अवैध परिवहन किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें हर ट्रिप में ट्रैक्टर चालकों से राशि तो वसूल करती हैं, लेकिन इसकी रॉयल्टी पर्ची नहीं देती हैं। यह अवैध राशि ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रमुखों दोनों को जाता है। इससे सीधे तौर पर यह राशि ग्राम पंचायतों के खातों में जमा नहीं होती है। इसकी वजह से अवैध रेत का कारोबार पूरे शबाब पर है। रेत का अवैध खनन और परिवहन करने वाले पकड़े जाने पर अक्सर दो कारण बताते हैं। पहला, सरकारी कार्य से रेत का खनन और परिवहन करने की बात कही जाती है। दूसरा, घरेलू उपयोग के लिए ले जाने की बातें कहते हैं। खनिज विभाग अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए समय समय पर धर पकड़ की कार्यवाही करते हैं, लेकिन सरपंच के सांठगांठ के चलते उदासीनता दिखाते हैं, जिससे जिला प्रशासन के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रेत परिवहन से जुड़े वाहनों की जब्ती के दौरान कार्रवाई नहीं करने के लिए वे लगातार दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में खनिज विभाग के अधिकारी भी कार्रवाई के बजाय बीच का रास्ता निकालने को विवश हो जाते हैं। वर्टिकल बार विडंबना है कि अमले की कमी की आड़ में खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी तब तक कार्रवाई के लिए नहीं जाते जबकि उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुँचता है। खनिज विभाग द्वारा महीने में एकाध पर अवैध रेत खनन करने या परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद भी अवैध रेत खनन और परिवहन जारी रहता है। बहरहाल खनिज विभाग और जिला के मुखिया को चाहिए कि अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए कारगर कदम उठाए। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो अवैध रेत खनन और परिवहन के गोरख धंधे में संलिप्त हैं।